वेल गाइज, तो मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हैं। गाइज, WWE में ब्रे वाइट के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। WWE में रोमन रेंस के टाइटल पिक्चर को लेकर WWE के मेजर प्लान रिवील हो चुके हैं। तमाशु चंपा के मेन रोस्टर पर रिटर्न होने के बाद गार्गानो और चंपा का रियूनियन होने वाला है। WWE स्मैकडाउन का एक बड़ा हील सुपरस्टार बहुत ही जल्द बेबी फेस टर्न करेगा। तो गाइज, वहीं भी के लास्ट नाइट शानदार NXT के बाद NXT की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और गाइज, कॉफी किंगस्टन के WWE में रिटर्न होने को लेकर कॉफी किंगस्टन ने भी एक बड़ी अपडेट दे दी है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे NXT के व्यूअरशिप की। वेल गाइज, बात करें यहां पर NXT की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब WWE ने उनका NXT शो कराया था, तो गाइज लास्ट वीक WWE के NXT को अमेरिका में करीबन 6,15,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि NXT के लिए एक बहुत ही बढ़िया व्यूअरशिप थी। बट गाइज, यही इस हफ्ते जब WWE ने NXT कराया, तो गाइज इस हफ्ते WWE NXT के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 35,000 डाउन हो चुके हैं, क्योंकि गाइज इस हफ्ते WWE NXT के व्यूअरशिप है 5,81,000, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। बट गाइज, जहां तक बात रही WWE के NXT की, तो गाइज यही अभी हफ्ते WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार जॉनी गार्गानो और तमाशु चंपा के मेन रोस्टर में रियूनियन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। वेल गाइज, इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जैसे ही तमाशु चंपा की इंजरी हील होती गई और गाइज तमाशु चंपा WWE पर उनका रिटर्न करते गए, तो गाइज WWE के अंदर मेन रोस्टर के ऊपर फैंस को DIY का रियूनियन देखने को मिलेगा। और गाइज NXT के अंदर गार्गानो और चंपा के सक्सेसफुल टैग रन के बाद WWE के मेन रोस्टर के ऊपर भी बहुत ही जल्द फैंस को गार्गानो और चंपा एक साथ देखने को मिलेंगे। और गाइज, बहुत ही जल्द WWE के मेन रोस्टर के ऊपर हमें DIY का रियूनियन देखने को मिलने वाला है। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि तमाशु चंपा मेन रोस्टर पर रिटर्न कब होते गए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉफी किंगस्टन के WWE में रिटर्न होने की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कॉफी किंगस्टन इस समय एंकल इंजरी से गुजर रहे गए। बट गाइज, यही इस हफ्ते कॉफी किंगस्टन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कॉफी किंगस्टन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि कॉफी किंगस्टन की इंजरी के बाद कॉफी किंगस्टन ने उनके इंजरी को लेकर सर्जरी कराई थी। और गाइज, अब यहां पर कॉफी किंगस्टन की कंडीशन पहले के मुकाबले काफी बेटर है। और गाइज, कॉफी किंगस्टन ये होप कर रहे गए कि वो बहुत ही जल्द WWE के अंदर उनका कमबैक करेंगे। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कॉफी उनका कमबैक कब और कैसे करते गए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इयो स्काई के बेबी फेस टर्न की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय WWE के स्मैकडाउन के ऊपर इयो स्काई बेली के हिल फैक्शन के अंदर काम कर रही गए। बट गाइज, यही इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के अंदर बहुत ही जल्द इयो स्काई का बेबी फेस टर्न होने वाला है। और गाइज, बहुत ही जल्द WWE के अंदर इयो स्काई हमें बेली के ऊपर बेबी फेस टर्न करते हुए दिखाई देंगी। और गाइज, शायद WWE के NXT के अंदर इयो स्काई के बेबी फेस टर्न करने के बाद WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें बेली और इयो स्काई की राइवलरी देखने को मिले। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE के अंदर बेली और इयो स्काई की राइवलरी कैसी जाती है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस के टाइटल प्लान की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के अंदर रोमन रेंस को फाइनली WWE ने नया गोल्ड वॉर टाइटल दे दिया है। बट गाइज, यहां पर रोमन रेंस के इस न्यू टाइटल को मिल जाने के बाद भी रोमन रेंस WWE के अंदर उनके पुराने वॉर टाइटल को कैरी करने वाले गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते स्पोर्ट इंसुलेटेड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भले ही WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस को नया वॉर टाइटल मिल चुका है, बट गाइज यहां पर रोमन रेंस पहले जो दो टाइटल को लेकर आते थे, रोमन रेंस उस टाइटल को अब भी कैरी करने वाले गए। और गाइज, यहां पर WWE के अंदर पॉल हेविन उन दोनों टाइटल को कैरी करेंगे, तो गाइज वहीं रोमन रेंस उनके नए वॉर टाइटल को कैरी करेंगे। और गाइज, यहां पर बेसिकली रोमन रेंस को डोमिनेट चैंपियन दिखाने के लिए WWE के टेलीविजन के ऊपर स्मैकडाउन पर रोमन रेंस के न्यू टाइटल के साथ साथ हमें पॉल हेविन रोमन रेंस के पुराने टाइटल के साथ दिखाई देंगे। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE स्मैकडाउन पर तीनों टाइटल को यूज करती गए या फिर WWE स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस के एक टाइटल को यूज करती गए। वेल गाइज, आपको WWE के अंदर रोमन रेंस को तीन टाइटल को यूज करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट की। और गाइज, बात करते हैं ब्रे वायट के WWE में रिटर्न सिचुएशन की।
गाइज जहां तक बात रही ब्रे वायट की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू के बाद से ही ब्रे वायट WWE के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज यहां पर ब्रे वायट के फैंस इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि ब्रे वायट WWE पर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर ब्रे वायट ने एक लेटेस्ट QR कोड को शेयर किया है। और गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट ईयर ब्रे वायट के WWE में रिटर्न होने से पहले WWE कंपनी ब्रे वायट को लेकर ऐसे ही हिंट दिया करती थी, जहां पर WWE के टेलीविजन के ऊपर हमें काफी सारे QR कोड देखने को मिलते थे। और गाइज अब एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर ब्रे वायट इन्हीं QR कोड को शेयर कर रहे गए। और गाइज बेसिकली ब्रे वायट ये हिंट कर रहे गए कि पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE के अंदर ब्रे वायट उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE के समर स्लैम पे पर व्यू से पहले ब्रे वायट WWE पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज आप लोग वायट के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंक।